बिलासपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठीपुरा में 27वां खंड स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन शुरू हो गया। 11 से 13 तक चलने वाले इस विज्ञान सम्मेलन के शुभारंभ मौके पर मुख्य अतिथि एस बी सिंह, डिप्टी जनरल मैनेजर NBCC इंडिया लिमिटेड ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रधानाचार्य अरुण गौतम ने अपने अभिभाषण से मुख्य अतिथि तथा अन्य अतिथि गण एवं विभिन्न पाठशालाओं से आए हुए नन्हे वैज्ञानिकों का स्वागत किया। स्थानीय पाठशाला के बच्चों ने बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जिला विज्ञान प्रवेशक अमृत महाजन ने इस कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा सबके समक्ष रखी तथा उन्होंने बताया कि सदर उपमंडल के इस बाल विज्ञान सम्मेलन में 75 पाठशालाओं के 479 बच्चे विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में विभिन्न स्कूलों के 400 के करीब होनहार भाग ले रहे हैं। यहां से चयनित होने के बाद होनहार जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मुख्य अतिथि महोदय ने बच्चों से आग्रह किया कि वे विज्ञान की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर अपने देश एवं प्रदेश का नाम रोशन करें व खूब तरक्की करें। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में एक सांप ने दुकानदारों को श्रद्धालुओं के पसीने चुरा दिए। हुआ यूं कि पिछले 4-5 दिनों से एक सांप दुकानदारों को तंग कर रहा था। कभी दुकानों के अंदर चला जाता तो कभी बाहर गली में घूमता। हालांकि दुकानदारों ने इसे भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे यही आस पास मंडराता रहा। आखिरकार उन्होंने सांप से तंग आकर जब सांप दुकान से बाहर निकला और नगर परिषद के बगीचे की तरफ गया तो दुकानदार और श्रद्धालुओं ने देखा तो दुकानदारों और श्रद्धालुओं ने इकट्ठा होकर इसे डंडे से मार दिया और फिर दुकानदारों ने इसे दफना दिया। इसके बाद स्थानीय दुकानदारों ने राहत की सांस ली। प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, जबकि दूसरे वर्ष की कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं, जिस पर ABBP उग्र हो गई है। ABBP ने इसी मुद्दे को लेकर धर्मशाला कॉलेज में प्रांत मंत्री राहुल राणा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया एवं विश्वविद्यालय प्रशासन व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ABBP कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के भविष्य के प्रति लापरवाह रवैया अपनाए हुए है तथा छात्रों को अंधकार की ओर धकेला जा रहा है। ABBP का कहना है कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ने शीघ्र परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया तो परिषद प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करके शिक्षा बंद करेगी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र हित की अनदेखी ना करे, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। धर्मशाला उपचुनाव में भाजपा से टिकट चाहवानों की कतार लगातार लंबी होती जा रही है। अब भारतीय मजदूर संघ ने भी धर्मशाला से टिकट की दावेदारी जता दी है। भामंस के प्रदेश उपाध्यक्ष देश राज पठानिया ने मीडिया के समक्ष धर्मशाला से भाजपा से टिकट की मांग उठाई है। यही नहीं, भामंस प्रदेश नेतृत्व उपचुनाव में टिकट के लिए रणनीति बनाने धर्मशाला में जुटेगा। भामंस प्रदेश उपाध्यक्ष देश राज पठानिया ने बताया कि वे वर्ष 2090 से भारतीय मजदूर संघ से जुड़कर कार्य कर रहे हैं और भामंस भी भाजपा का ही अंग है। उन्होंने बताया कि भामंस प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर ही उन्होंने टिकट की दावेदारी जताई है तथा इस संबंध में प्रदेश के CM जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के समक्ष भी भामंस अपना पक्ष रखेगा। उन्होंने कहा कि भामंस नेता के रूप में वे लंबे समय से कर्मचारी हितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं तथा कर्मचारी वर्ग की कई मांगों को सरकार के समक्ष उठाया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, ऐसे में कर्मचारी नेता होने के चलते उन्हें उपचुनाव में लाभ मिल सकता है। गौरतलब है कि धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के खनियारा निवासी देश राज पठानिया IPH विभाग धर्मशाला में बतौर वर्ग इंस्पेक्टर कार्यरत हैं।
विधानसभा ज्वालामुखी में भाजपा सरकार के दो वर्षों बाद भी कांग्रेस के समय में किए गए अभूतपूर्व विकास के बाद भी पूर्व समय में बनाए गए अडवाणी में गौशाला, खुंडिया कॉलेज, आईटीआई भवन के ताले खोलने में भी अभी तक सरकार असमर्थ रही है। ये बात ज्वालामुखी में प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता पूर्व विधायक संजय रतन ने कही। उन्होंने कहा कि एक महीने के अंदर ज्वालामुखी क्षेत्र के नवनिर्मित सरकारी संपत्ति से बने भवनों के ताले सरकार नहीं खोलती है तो क्षेत्र की जनता के लिए कांग्रेस बड़े स्तर पर संघर्ष करेगी ताकि क्षेत्रवासियों को उनका हक दिलवाया जा सके। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि स्थानीय भाजपा विधायक रमेश दवाला दो वर्षों में भी ज्वालामुखी क्षेत्र में विकास की एक भी ईंट नहीं लगा पाए और अडवाणी में निर्मित गौशाला का ताला खोलने के लिए भाजपा के गौ रक्षा समिति संगठन को आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गौशाला बनकर तैयार है, जितने वहाँ पर पशु आश्रय ले सकते हैं उनकी व्यवस्था करें, वे अन्य के लिए प्रयासरत रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है जो कि जनता के साथ विश्वासघात है। संजय ने कहा कि कांग्रेस के समय में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में विकास इतना ज्यादा हुआ है कि अब भाजपा के नेता उस विकास को देखकर बौखला गए हैं और जनता को कांग्रेस के समय में बनाई गई योजनाओं को लाभ देखकर समर्पित नहीं करना चाहते। यही वजह है कि नवनिर्मित भवनों के ताले दो वर्षों बाद भी बंद ही पड़े हैं। संजय रत्न ने कहा कि जरूरत पड़ी तो कांग्रेस उच्च न्यायालय में जनता के हित के लिए जाने और संघर्षरत रहने से भी पीछे नहीं रहेगी। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के दीप चौहान, जिला उपाध्यक्ष राजिंदर राणा, दिवांशु भूषण, सुरेंद्र काकू, अश्विनी व अन्य मौजूद रहे। जो करने के लिए जनता को इजाजत नहीं दी गई तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए संघर्ष करेगी और हम जो है वो हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे और सड़कों के ऊपर भी उतरने से जो है वो हम हिचकिचाते नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ।